वेलकम टू सोशल द एम्पायर एक वेब सीरीज है जिसकी स्टोरी मुगल एम्परर बाबर की लाइफ शोकेस करती है। इस वेब सीरीज को एलेक्स रदरफोर्ड की बुक एम्परर ऑफ द मुगल से अडेप्ट किया गया है जो एक हिस्टोरिकल फिक्शनल बुक है। Since it is based on a book which is historical fiction in nature, it already explains कि शो में बहुत चीजें fictionalized way में दिखाई गई होंगी। In this video, we are going to analyze कि शो में कौन से aspects facts थे, यानी जिनका mention reality में भी history में किया गया है। वहीं series में कौन से aspects fiction थे, यानी कि जिनका historical text में कोई mention नहीं है, और उन्हें cinematic liberties के साथ show में fictionalized way में दिखाया गया है। For your information, history of Mughal era is very subjective in nature, जहाँ इसके कई different versions different historians के through पढ़ने को मिलते हैं। So it is always debatable what is right and what is wrong. इसी वजह से we don't consider even our video to be 100% accurate, क्योंकि उस time की history का research material एक limit में ही available है। इसीलिए as always हमने इस video में सिर्फ show की story में दिखाए गए scenes और situations को research किया है, which will help you in knowing कि show में क्या fact था और इसमें क्या fiction था। इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो वी रिकमेंड कि आप इस वीडियो को शो देखने के बाद ही देखें। आप कहाँ जाएंगे? सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। नंबर वन, शो में दिखाया गया है कि एक अर्थक्वेक की वजह से उमर शेख की मौत हो जाती है। उस अर्थक्वेक के आने से पैलेस का स्ट्रक्चर हिल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। डू यू थिंक दिस सीन वॉज फैक्ट और फिक्शन? देखने पे तो इस सीन को काफी फिल्मी वे में दिखाया गया है, दैट मेक्स इट लुक्स फिक्शनलाइज्ड, बट डिड उमर शेख डाई ड्यू टू सम कैलामिटी और एन एक्सीडेंट? यस, दिस इज अ फैक्ट। फेमस इंडियन हिस्टोरियन एंड राइटर इब्राहिम इराली ने इस इंसिडेंट के बारे में अपनी बुक एम्प्रेस ऑफ द पीकॉक थ्रोन में लिखा है। विकिपीडिया पे भी उन्हीं की बुक का रेफरेंस दिया गया है, जहां इट इज रिटन दैट उमर शेख डाइड इन अ फ्रीक एक्सीडेंट इन एस्कीफोर्ड। सो दिस इज अ फैक्ट। नंबर टू, शो में दिखाया जाता है कि शबानी खान फादर नहीं बन सकता है, इसी वजह से उसे हमेशा ताने मारे जाते हैं, एंड समवेयर दिस थिंग रियली ट्रिगर्स हिम। बाद में खान ज्यादा से शादी करने के बाद उसको पता चलता है दैट ही इज अबाउट टू बिकम अ फादर, पर वहीं इट इज रिवील दैट खान ज्यादा पूरे टाइम उससे झूठ बोल रही होती है। व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ फैक्ट और फिक्शन? क्या ऐसा सच में शबानी खान के साथ हुआ था? वेल, लेट अस टेल यू दैट दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस इज इन फैक्ट फिक्शन। इट इज क्लियरली मेंशन एवरीवेयर कि शबानी खान के तीन बेटे थे, उसके अलावा उनका एक बेटा खानजादा से भी था। शो में जिस तरह से खानजादा को दिखाया जाता है कि वो शबानी से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोलती है, दिस माइट बी प्योरली फिक्शनल। शबानी खान की फैमिली ट्री के बारे में आप विकिपीडिया और कई हिस्टोरिकल वेबसाइट्स पर पढ़ सकते हैं। नंबर थ्री, शो के एपिसोड 7 में द फेमस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को दिखाया गया है। ये बैटल मुगल एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके थ्रू वो हिंदुस्तान को इन्वेड करना चाहते थे। दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। शो में दिखाया गया है कि इस बैटल में बाबर ने लोधी को हराने के लिए स्पेशल गन्स और कैनन्स का यूज किया था। दिस इज अ फैक्ट। काफी हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इन्हीं गन्स और न्यू टेक्निक्स की वजह से बाबर ने इस लड़ाई को जीता था। पानीपत गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बैटल के बारे में डिटेल में लिखा गया है, विच प्रूव्स दैट समथिंग लाइक दिस एक्चुअली हैपेंड इन रियलिटी। नंबर फोर, शो में दिखाया जाता है कि जब हुमायूं को बाबर अपना सक्सेसर अनाउंस करने वाले होते हैं, तो उनको मारने की साजिश की जाती है। उनको उनकी स्टेप मदर पॉइजन देकर मारने की कोशिश करती है। ये इंसिडेंट वैसे तो फिक्शनलाइज लगता है, मगर समथिंग लाइक दिस रियली हैपेंड। इट इज मेंशन्ड एवरीवेयर कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी एंड ही ऑलमोस्ट हैड डाइड, बट उनको उनकी स्टेप मदर का जहर देने का मेंशन कहीं नहीं है। सो इन शॉर्ट, हुमायूं बीइंग सिवियरली इल इज अ फैक्ट, बट हुमायूं बीइंग पॉइजन्ड बाय हिज स्टेप मदर इज समवट फिक्शन। नंबर फाइव, शो के थर्ड एपिसोड में दिखाया गया है कि शबानी खान समरकंद को इन्वेड करते हैं, क्योंकि शबानी खान की आर्मी ज्यादा स्ट्रांग थी और समरकंद में फूड शॉर्टेज थी, तो बाबर शबानी खान से वॉर नहीं कर सकते थे। मौके का फायदा उठाते हुए शबानी खान ने बाबर के सामने कंडीशन रखी कि वो बाबर और उनकी फैमिली में से किसी को भी नहीं मारेंगे और उनके सभी फैमिली मेंबर्स को समरकंद से पीसफुली जाने देंगे अगर वो अपनी बहन खानजादा बेगम को शबानी खान को दे दें। वेल, दिस इंसिडेंट लुक्स वेरी फिक्शनल एंड मूवी लाइक। ये सीन देखते वक्त हम सबको संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की याद आ गई थी। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस भगत। व्हाट डू यू थिंक, समथिंग लाइक दिस वुड हैव हैपेंड इन रियलिटी? द आंसर इज यस, दिस इज अ फैक्ट। In real life, a peace agreement was signed between Babur and Shibani Khan, which gave Shibani Khan the authority to marry Babur's sister, Khanzada Begum. Number 6.
शिबानी खान का डेथ सीन शो में एक बहुत सिनेमैटिक वे में दिखाया गया है, जहां उसे बस कुछ ही सेकंड्स पहले पता चलता है कि खान साता ने उसे झूठ बोला था। उस रिवीलेशन के बाद ही शिबानी खान बैटल के लिए आगे बढ़ता है और वहीं मर जाता है। सिंस वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शिबानी खान और खानजादा का ऑलरेडी एक बच्चा था, तो शो में दिखाई गई रिवीलेशन फिक्शनल थी। उसके अलावा एक बैटलफील्ड में खानजादा का होना भी एक फिक्शन था। पर व्हाट वाज द फैक्ट इन दिस स्टोरी वाज शिबानी खान की डेथ रियलिटी में इसी लड़ाई में हुई थी। हिस्ट्री बुक्स में इसको बैटल ऑफ मेर कहा जाता है, जहां शाह इस्माइल की आर्मी ने शिबानी खान को मार दिया था। शो में इस चीज को बहुत ड्रामेटाइज करके दिखाया गया है, विच समवट मेक्स इट लुक लाइक फिक्शन, बट दिस इज अ फैक्ट। नंबर 7, शो में शबाना आजमी का कैरेक्टर दौलत बेगम अपने मरने से पहले रिवील करती हैं कि उन्होंने अपने बेटे उमर शेख का हाथ छोड़कर उन्हें गिरने दिया था। ये सीन पूरी तरह से एक फिक्शन था और ये चीज तो ऑडियंस ने खुद सीन को देखकर डिकोड कर ली होगी। दोनों एक एच का सहारा लेते हुए सिर्फ एक दूसरे के हाथ के सपोर्ट पर लटके होते हैं। दिस इज सच अ टिपिकल बॉलीवुड क्लिफहैंगर सीन। ऐसे सीन आपने भी खुद बहुत मूवीज में देखे होंगे। नंबर 8, शो में दिखाया गया है कि बाबर शबानी खान को हराने के बाद भी समरकंद पर रूल नहीं कर पाता है। बाबर को पता चलता है कि शाह इस्माइल की आर्मी की मदद से उन्होंने शिबानी खान को हराया था, इसलिए वो समरकंद को डायरेक्टली रूल नहीं कर पाएंगे। ये बात बाबर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो समरकंद छोड़कर वापस जंगलों में रहने का डिसाइड करते हैं। दिस इज अ फैक्ट। नंबर 9, शबाना आजमी की परफॉर्मेंस इस दौलत बेगम काफी स्टैंड आउट करती है। दौलत बेगम का कैरेक्टर बहुत पावरफुल और क्लेवर दिखाया गया है और वो बाबर की स्ट्रैटेजीज बनाने में भी मदद करती है। क्या आपको लगता है कि रियलिटी में वो ऐसी थी या सिर्फ शो में फीमेल रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए उन्हें पावरफुल दिखाया गया है? लेट अस टेल यू कि दिस इज अ फैक्ट। उनको रियलिटी में भी इसी तरह हिस्ट्री बुक्स और आर्टिकल्स में बताया जाता है। शी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन फ्रॉम द मुगल एरा। नंबर 10, शो के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि हुमायूं बेहोश होकर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। बाबर ने हुमायूं को बहुत डॉक्टर्स यानी कि हाकिम को दिखाया, मगर कोई भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। बहुत दिनों तक हुमायूं बेहोश रहता है और कोई दवा उस पर असर नहीं करती है। बाद में बाबर हुमायूं के लिए प्रे करना शुरू करता है और वो ये मांगता है कि हुमायूं की बीमारी उसको लग जाए। ऐसा कुछ देखना आज के टाइम में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, बट इफ यू रियली गो इनटू हिस्ट्री, उस वक्त ये माना जाता था कि अगर आप दिल से प्रे करो तो चांसेस हैं कि इंसान की जान बच जाए, और ऐसा भी होता था कि उसकी बीमारी उसी इंसान को लग जाती थी जो उसके लिए प्रे करता था। यू मस्ट हैव सीन सेवरल एग्जांपल्स ऑफ दिस बिलीव इवन इन आवर हिंदी फिल्म्स, जहां आपने बहुत बार सुना होगा इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सो वॉज बाबर प्रेइंग फॉर हुमायूं अ फैक्ट और फिक्शन? दिस वॉज अ फैक्ट। इस बात का मेंशन खुद हुमायूं के मेमोयर हुमायूं नामा में है, पर इसके अलावा भी कई हिस्टोरियंस का इस स्टोरी पर अलग वर्जन है। सो वी कैनॉट कम्प्लीटली अग्री दैट हाउ मच ऑफ इट इज अ फैक्ट और हाउ मच ऑफ दिस इज फिक्शन। सो वी लीव इट ऑन यू टू शेड मोर लाइट ऑन दिस इंसिडेंट। कॉमेंट्स में आप अपने रीड किए गए वर्जन को भी बता सकते हैं, बट काइंडली डू मैंशन योर सोर्स इज वेल सो एवरी वन एल्स कैन रीड इट प्रॉपरली। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।